राइटिंग टाइम स्टार्ट। वन फिफ्टी वन पी एम। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 65189। 151 पी एम। इस समय आपकी एज कितनी है? 31 सर। 31 साल। कितने साल से लिखने में दिक्कत हो रही है? सर 10 साल से। 10 साल से है। क्या दिक्कत होती है लिखने में? सर लिखते समय हमारा हैंड जो है पहले ऊपर चला जाता है, एल्बो थोड़ा ऊपर की उठ जाता है, शोल्डर की तरफ से थोड़ा उठ जाता है, और उसके अलावा लिखते समय सर ये हैंड वाइब्रेट करता है, हाथ में कंपन होता है लिखते समय, जो स्पीड लिखने की होती है वो स्पीड नहीं है, स्पीड कम हो जाती है, और इसके अलावा सर हम लिख नहीं पाते और ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लिखेंगे बस छोड़ देते हैं। ठीक, किसी अजनबी के सामने लिखने में थोड़ा बहुत डर होता है, डर लगता अगर, है अगर कोई सामने बैठा, जैसे आप ही बैठे हुए, तो मुझे लिखने में थोड़ा संकोच सर, मैं लिख नहीं पाऊंगा सर। ठीक, और कोई समस्या इसके अलावा? सर और उसके अलावा कि राइटिंग अच्छी नहीं होगी हमारी। हाँ। राइटिंग बिल्कुल बेकार होगी और हम फीलिंग हमारा बहुत बेकार होगा, बहुत ही डरा जरा सर, फियर होगा कि डर है, हमें बहुत बड़ा डर है। ठीक, स्लो राइटिंग है सर। ठीक जी, लिखिए। लिखते समय हाथ में कंपन है जी, और इस समय जैसे आप पेन की ग्रिप जो है वो ठीक से नहीं बन पा रही, नहीं पकड़ पा रहे, अंगूठा बहुत टाइट है जी जी। हाँ, और पेन को आपने जो है वो मिडिल फिंगर और थंब में किसे ग्रिप किया हुआ है और इंडेक्स फिंगर ऊपर से रखी हुई है जी सर, नीचे से रिंग फिंगर का भी सपोर्ट है जी सर। पेन को चारों तरफ से आपने जो है रोका हुआ है एक तरीके से जी सर, और हाथों में थोड़ा कंपन है, थंब बहुत टाइट हो रहा है जी सर, जो थंब का रूट है जहाँ से हथेली से जुड़ा होता है जी सर, वहाँ पे भी थोड़ा काफ़ी तनाव है जी सर। अच्छा, इस समय एल्बो ऊपर नहीं जा रहा है? इस समय सर मैं हाँ नहीं जा रहा है। हाँ ठीक, लिखिए। ऐसा सर लिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, हाथ आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है जी जी जी, ऐसा लग बहुत बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, मैं इसको नहीं लिख पा रहा हूँ। Mm-hmm.